वान जी भाई कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हूँ बढ़िया होंगे और होना भी चाहिए। सो दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल सिम यूज करते हो और आपका एयरटेल सिम का इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है और आपका इंटरनेट स्पीड को फास्ट करने के लिए बहुत सारा सेटिंग्स भी कर लिया और बहुत सारा वीडियोज भी देख लिया, लेकिन आपका जो इंटरनेट स्पीड है दोस्तों वो फास्ट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आया है एयरटेल सिम का एक हाई स्पीड APN सेटिंग। इसको सेट करते ही दोस्तों आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो 4-5 गुना फास्ट हो जाएगा। साथ में दोस्तों अगर आपका डाउनलोडिंग स्पीड भी स्लो है वो भी फास्ट हो जाएगा, और दोस्तों ब्राउजिंग करने के टाइम पे आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर रात होने के टाइम पे भी आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो चलने का नाम ही नहीं लेता है, तो दोस्तों आप इस APN को एक बार सेट करके देख सकते हो, आपका जो इंटरनेट स्पीड है दोस्तों वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कृपया करके आप इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा एंड तक वॉच कीजिए, और इसी तरह का और भी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवा के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एयरटेल सिम का APN सेटिंग को सेट करने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल का मेन सेटिंग में आपको यहाँ पर चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क करके जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दो सिम शो हो जाएगा, तो इनमें से आपका जो एयरटेल का सिम है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इस एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फोन का जो पुरान APN सेटिंग है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, तो उसको आपको यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके रिसेट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों न्यू APN सेट करने के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है इस न्यू APN का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एडिट एक्सेस पॉइंट पे के आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक एम्प्टी फॉर्म दे देगा, तो मेरा वीडियो को देख के आपका फोन में भी इस फॉर्म को आपको सेम टू सेम फिलअप कर लेना है। तो दोस्तों सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पर नेम का ऑप्शन दिख रहा है, इस नेम का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है एयरटेल। एयरटेल का ए कैपिटल लेटर पे होगा, उसके बाद एक स्पेस देना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है 5G। दोस्तों अगर आपका फोन 4G है तो भी आप यहाँ पर 5G लिख देना, क्योंकि दोस्तों आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो 5G जैसा स्पीड प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एयरटेल लिखने के बाद एक स्पेस देना है और आपको यहाँ पर 5G टाइप करना है, जी यहाँ पर कैपिटल लेटर पे होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। देने के बाद उसके नीचे APN का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है स्मॉल लेटर पे एयरटेल, और इसके साथ आपको टाइप करना है NET यानी कि नेट। आपको यहाँ पर एयरटेल नेट लिख के यहाँ पर ओके कर देना है। देने के बाद उसके नीचे है प्रॉक्सी A0 सेट रहेगा, उसके नीचे है पोर्ट AV0 सेट रहेगा, और उसके नीचे है यूजर नेम, तो आपको इस यूजर नेम का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर पे टाइप करना है एयरटेल। एयरटेल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक स्पेस देना है और आपको यहाँ पर फिर से कैपिटल लेटर पे टाइप करना है इंडिया। एयरटेल इंडिया आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख के ओके कर देना है। देने के बाद उसके नीचे है पासवर्ड A0 सेट रहेगा, उसके नीचे है सर्वर, तो आपको इस सर्वर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है www.my.airtel.in। इस तरीके से दोस्तों सारा लेटर आपको स्मॉल लेटर पे लिख के यहाँ पर ओके कर देना है। देने के बाद उसके नीचे कुछ ऑप्शन है जैसे कि MMSC, MMS Proxy, MMS Port, MCC एंड MNC, इनमें से कोई भी ऑप्शन को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, और नीचे जो दो ऑप्शन है MCC एंड MNC ये आपका एरिया का हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, तो इस ऑप्शन को भी आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे आपको ऑथेंटिकेशन टाइप करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर PAP और CHAP ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद उसके नीचे है APN टाइप का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करके आपको स्मॉल लेटर पे टाइप करना है DEFAULT। डिफॉल्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख के ओके कर देना है। देने के बाद उसके नीचे है APN प्रोटोकॉल का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पर IPv4/IPv6 का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद उसके नीचे है APN रोमिंग प्रोटोकॉल का ऑप्शन, यहाँ पर भी क्लिक करके आपको सेम टू सेम IPv4/IPv6 का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों नीचे आपको BRR करके एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इस BRR का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पर अनस्पेसिफाइड करके एक ऑप्शन टिक दिख रहा है, इसको आपको यहाँ पर अनटिक कर लेना है, और आपको यहाँ पर ध्यान से कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों सबसे ऊपर आपको यहाँ पर LTE ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद HSPA, HSDPA
UMTS, EDGE, GPRS और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है 1XRTT, इतना सारा ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अगर इतना सारा ऑप्शन आपका फोन में सिलेक्ट नहीं होता है तो आपको यहाँ पर सिर्फ LTE ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके कर देना है और ये जो फॉर्म है दोस्तों यहाँ पर फिल हो चुका है, तो इस फॉर्म को अब आपको फोन में सेव कर देना है। सेव करते ही दोस्तों आपका फोन में एक नया एयरटेल सिम का APN सेटिंग शो हो जाएगा। तो इस APN को सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ से बैक चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेट कर लेना है। उसके बाद आपका मोबाइल का डाटा ऑन करके आपको इंटरनेट चलाना है। देखना दोस्तों आपका इंटरनेट स्पीड पहले से बहुत ही ज्यादा फास्ट चलना शुरू कर दिया है। तो आपका इंटरनेट स्पीड अभी कितना दे रहा है दोस्तों, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह का और भी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगला कोई नया वीडियो लेके। जय हिंद दोस्तों।